नमस्कार मैम। नमस्कार सर। हमें परिचय दें सबसे पहले। सर मैं डॉक्टर माधुरी डबराल, कोटद्वार, ये उत्तराखंड के हरिद्वार के पास एक जगह पड़ती है, कोटद्वार से हूँ और पिछले 20 सालों से जो है वो अर्थवॉर्म्स और वर्मी कंपोस्टिंग में ही काम कर रही हूँ। जी ज़रूर। ये देखिए, आप ये देख रहे हैं, ये हमारा ऑर्गेनिक मैटर है जिसको कि हम गोबर के साथ मिला के वर्मी कंपोस्टिंग में यूज़ करते हैं। ये जगह जगह जो पड़ा हुआ होता है, तो मेरा थोड़ा सा एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम रहता है, तो हम लोग ये सारा इकट्ठा करके ले आते हैं ताकि हम इसको अपने यहाँ कम से कम कुछ हद तक, मैं अपने प्रयास मेरे से जितना हो पाए मैं कुछ पर्यावरण के लिए कर सकूँ। तो ये सारा मैं ऑर्गेनिक मैटर हमने मंगवाया है। उसके बाद आप इधर ये देख रहे हैं, ये जो हैं ये हमारी परमानेंट पिट्स हैं वर्मी कंपोस्टिंग की, और इस पिट्स को हमारा जो ये मॉडल है इसे 20 साल हो चुके हैं। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है कि भाई हर पिट को बनाने में खर्चा ज़रूर आता है, लेकिन हाँ ये वन टाइम भी है, आपके पास एक स्ट्रक्चर है जिसमें कि थोड़ा सा साफ़ सुथरा लग रहा है, एक पर्टिकुलर आपका कंपोस्ट इधर उधर नहीं फैलता है, तो ये फ़ायदा है इस मेथड का। और इसमें हमारे पास आप देख रहे होंगे इस तरह से बेड्स हैं, तो हम ये अल्टरनेट बेड्स भर के जो है वो एक बार में एक बनाते हैं, एक बार में एक बनाते हैं, और अर्थवॉर्म्स भी खुद ही शिफ्ट हो जाते हैं, हमें इसमें मैन्युअली बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं थी। सिस्टम क्या है मैम, क्या चीज़ आपने बनाया है, उसके बारे में बताइए। ये देखिए, नीचे तो हमारे पास परमानेंट पेट्स हैं, ऊपर इसका हमने क्या है कि शेड अगर रहे तो, क्योंकि जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो मॉडरेट क्लाइमेट में ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, तो सर्दियों में जैसे ऊपर से पाला वगैरह नहीं गिरता है, बारिश का बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और तीसरी चीज़ है सबसे बड़ी बात जो है वो है धूप से बचने का। तो ये हमारे पास जो हमने नेट लगाई है इसकी वजह से आप देखिए बाहर और भीतर के टेम्परेचर में आपको काफ़ी फ़र्क लग रहा होगा, तो ये ग्रीन शेड नेट बेसिकली यहाँ पे शेड देने के लिए है। तो इसकी वजह से हमारी अर्थवॉर्म जो है उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होती क्योंकि वो धूप से बचते हैं अर्थवॉर्म। कितना एरिया है मैम, अगर एरिया की बात करें? ये हमारी जो पूरी यूनिट है लगभग ये 2.5 बीघे में है हमारी, जिसमें कि हमारा टूल रूम हो गया और ये प्रोसेसिंग ये अलग है। तो देख रहा हूँ यहाँ पे आपने पक्का फर्श किया हुआ है मैम पूरा? जी बिल्कुल, इसमें हमारी कंपोस्ट क्या होता है, गोबर आता है, तो पक्के फर्श में थोड़ा सा ये है कि गारे पत्थर जो होते हैं वो कम जाते हैं बेड में। साफ स्टार्ट कर रहा था तो आपको चुनौतियाँ इसमें क्या क्या आई थी? सर बहुत सारी चुनौतियाँ आई थी, पहले तो ये था कि इतना पढ़ लिखने के बाद आप केंचुए पालने चले हो, पहले इन लॉज ने भी थोड़ा सा रहता है भाई आप नौकरी क्यों नहीं करते, जॉब अच्छी सी आपको मिल जाएगी इतने करने के बाद, दूसरा अगल बगल के लोग और आते हैं कि तब एक्चुअली क्या है सर, जब हमने काम शुरू किया था उस समय कोई वर्मी कंपोस्टिंग जानता ही नहीं था, अगर हम अपने इलाके की बात करें, और उत्तराखंड में शायद पहली यूनिट है जो हमने इस्टेब्लिश किया टू, अब पा नहीं रहा है हम यहाँ उत्तराखंड में ये हम कह सकते हैं। और फिर ये था कि केंचुए कोई पालने वाली चीज़ है, ये कैसा काम कर रहे हैं आप लोग, अच्छा लोगों को तो पकड़ने में भी इसमें कैसे वो होता है और आप इसमें पकड़ के आराम से काम कर रहे हैं, बट सर एक जुनून था कि ये काम करना है तो करना है। मेथड कौन सा मैम आपका? ये हमारा जो मेथड होते हैं यही मेथड आपने देखिए सर, आजकल जो है वो मेथड बहुत सारे हैं इसमें हैं, बिन मेथड आपका आता है छोटा लोअर लेवल, अगर आप होम कंपोस्टिंग कर रहे हैं अपने किचन वेस्ट के लिए तो छोटे छोटे बिन मेथड होते हैं जिसमें आपके पास वो प्लास्टिक के बिन्स बने होते हैं, फिर आपके पास आता है ये पिट मेथड है, बेड मेथड आप इसे बोल सकते हैं, जो कि परमानेंट स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे पास एक पर्टिकुलर साइज़ होता है 12 फीट × 3 फीट × 1.5 फीट हमने इसको रखा हुआ है, 12 फीट इसकी लंबाई दे दी है, 3 फीट चौड़ाई और 1.5 फीट इसकी हाइट है इस बेड की, तो इससे ऊपर ये नहीं जाता है। फिर आपके पास आते हैं विंडरोज मेथड जो आप ज़मीन के ऊपर लगाते हैं, जैसे आप ये सामने देख रहे होंगे। अच्छा मैं इस अपने यहाँ की और दूसरों के यहाँ की विंडरोज की मैं आपको थोड़ी सी एक डिफरेंस बताती हूँ, आपने शायद बिना प्लास्टिक बिछी हुई कहीं विंडरोज देखी नहीं होंगी, हर जगह नीचे प्लास्टिक ज़रूर बिछा होता है शीट जी, लेकिन हम नहीं बिछाते हैं सर, सर्दियों में एक बार को अगर हम कहें तो फिर भी चल जाता है, लेकिन समर्स में बहुत हॉट हो जाता है, टेम्परेचर बहुत गर्म हो जाता है। अच्छा आप अगर ऊपर से बहुत गर्मी पड़ रही है, नीचे प्लास्टिक गर्म हो रहा है, तो अर्थवॉर्म कहाँ जाएगा? तो एटलीस्ट कम से कम अगर आपकी प्लास्टिक नहीं है तो वो खुद को बचाने, कई बार हार्श कंडीशंस में वो नीचे चला जाता है तो खुद को बचा लेता है, तो हम लोग नहीं करते, और कभी जब तक इसमें फीड है, मॉइस्चर है, ये कहीं जाते भी नहीं है सर। तो पिछले 20 सालों से हमने कभी प्लास्टिक नहीं लगाई अपने विंडरोज मेथड में जी। ये भी SDP बैग्स मैंने ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए लिए हैं, ताकि लोगों को मैं एक बता सकूं कि ये SDP बैग है, ये ऐसे काम करता है इस तरह से, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग में भी फोकस है, मुझे लगता है कि किसी को अगर जानकारी देनी चाहिए तो बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने 3 तरह के जो आज के डेट में पॉपुलर मेथड हैं, एक SDP बैग मेथड, एक विंडोज मेथड और एक परमानेंट मेथड, तो तीनों मेथड मैंने यहाँ पे अपनाए हुए हैं। और मैं देख रहा हूँ बेले वगैरह आपने जो है इस पर लगाई हुई हैं, ये बेल इसलिए सर ताकि ये जो हम एक शेड की ज़रूरत पड़ती है, तो वो पीछे जैसा आपने परमानेंट पिट में देखा तो हमने
जो शेड नेट है वो खरीद के लगाई हुई है, जबकि इसमें जो हमारा ये पूरा घर का जो वेस्ट है, पाइप्स पड़े हैं, कुछ लकड़ियों के डंडे हैं कुछ, हाँ, तो उससे हमने एक शेड बना के इसमें बेलें चढ़ा दी ताकि बेल को न्यूट्रिएंट मिलता रहे और वर्मी कंपोस्टिंग को शेड मिले, तो दोनों काम चलते हैं। प्रॉफिट कितना होता है मैम आपको इससे? सर देखिए, प्रॉफिट का तो मैं एग्जैक्ट फिगर क्या बताऊँ, बट ये है कि बहुत अच्छा है और मैं कहूँगी कि अगर पेशेंटली और ईमानदारी से आप इस काम को कर रहे हैं तो 100% प्रॉफिट है और आपको मज़ा भी आएगा इस काम को करने में। ये दिखाइए प्रोसेस क्या हुआ अभी? ये सर हमारे जो है वो वर्मी वॉश, आजकल आपने सुना भी होगा, बहुत कम है लेकिन है। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग बेड्स के जो है उसी पानी को इकट्ठा कर लेते हैं, तो एक्चुअली वर्मी वॉश का मतलब होता है वर्म्स की वॉशिंग्स। वर्म्स से मतलब अर्थवर्म से है, तो अर्थवर्म का जो शारीरिक संरचना है उसके बाहर जो है एक सिलोमिक फ्लूड होता है जो बहुत ही बेनिफिशियल होता है, उसमें एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं, बेनिफिशियल माइक्रो एंजाइम्स होते हैं, प्लांट ग्रोथ के कुछ इस तरह के बहुत सारे मतलब ऐसे बैक्टीरिया और ऐसे उसमें एंजाइम्स होते हैं बेनिफिशियल जो प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, तो उस सारे सिलोमिक फ्लूड को हम यहाँ पे जो है वो इकट्ठा करते हैं। तो बेसिकली सॉरी अगर मैं कहूँ कि हम अर्थवर्म को नहलाते हैं और उसका पानी इकट्ठा करते हैं तो वो वॉशिंग्स हो गई अर्थवर्म्स की, वो हम बेसिकली यहाँ पे इकट्ठा करते हैं। काम कैसे करता है मैम ये? सर एक्चुअली ये जो आप ड्रम देख रहे हैं 200 लीटर का है जी। आप इसको छोटा ड्रम भी ले सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आधे में इसमें जो है हमारा एक फ़िल्टर सिस्टम है, नेचुरल फ़िल्टर सिस्टम तैयार किया हुआ है और ऊपर इसमें कल्चर मीडियम के साथ अर्थवर्म्स हैं। तो ये अर्थवर्म जो है इसमें जैसे ये हमने हल्दी की पत्तियाँ मिलाई हुई हैं टर्मेरिक, ये बहुत अच्छा रहता है। ये अर्थवर्म्स हैं इसमें, ये हमने कुछ हल्दी की इसमें पत्तियाँ मिलाई हुई हैं क्योंकि हल्दी हो गया, गुलदावरी हो गया, आंकड़ा हो गया, कड़ी पत्ता हो गया, ये कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि जिसमें कि इंसेक्टिसाइडल फंजिसाइडल बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो आप इनको कल्चर मीडियम के साथ अगर मिला देते हैं और साथ में अर्थवर्म की वॉशिंग्स इसमें आ जाती हैं तो ये काफ़ी हद तक जो है वो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के साथ साथ एक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड फंजिसाइड की तरह भी काम करता है, तो एक एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा लोग फसलों के लिए तो वर्मी कंपोस्ट कर लेते हैं बट उन्हें फिर दिक्कत आती है कि हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड तो फिर केमिकल ही डाल रहे हैं तो फिर वो ऑर्गेनिक की तरफ पूरी तरह जा नहीं पाते। इसके लिए कुछ हमने इस तरह का रिप्लेसमेंट ये बनाया है कि आप ऑर्गेनिक में वर्मी वॉश से अर्थवर्म्स की हेल्प से हम काफ़ी हद तक इसको कवर कर सकते हैं ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड। मल्टीपर्पस हो गया आपका जी, ये तो अर्थवर्म भी है सेल हो रहा है साथ में वर्मी कंपोस्ट भी सेल हो रहा है और साथ में ये आपका वर्मी वॉश भी सेल जी। बिल्कुल बिल्कुल। हम युवा लोग कैसे कर सकते हैं इसको, कितने बेड से शुरुआत कर सकते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग या वर्मी वॉश? वर्मी कंपोस्टिंग मैम। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए देखिए अगर किसी को कमर्शियल लेवल पे जाना है तो मेरा कहना होता है कि कम से कम वो 20 से 25 बेड से तो शुरू करे ही करे, क्योंकि आपके पास अगर एक लॉट में 400-500 कुंटल ना हो तो मज़ा नहीं आता काम करने का। कम से कम इतना हो कि आपके पास एक बड़ी डिमांड आती है तो जब तक आपका दूसरा लॉट तैयार हो रहा है आपके पास कुछ प्रोडक्शन कुछ तो रहे, तो छोटे वॉल्यूम के काम में हमेशा मार्जिन मिलता है और मेरा कहना है कम से कम आप 25 से 30 बेड या फिर बहुत ही कम अगर कोई कैपेसिटी नहीं है तो 20 बेड तो मिनिमम से स्टार्ट करें ही करें। धन्यवाद मैम, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद सर।